नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी, और मैं गांव सन्नोट नरेला दिल्ली 40 का रहने वाला हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर मैंने 18 जुलाई 2014 में नाम लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं भक्ति करता था। मैं यही ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी साधना करता था, हनुमान जी की, शेरावाली जी की। तो सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं इनकी पूजा कर करके इतना बेकार हो लिया था कि बिल्कुल कि पागल जैसा हो गया था। मेरे काम धंधे बिल्कुल छूट गए थे, कोई काम नहीं था, कोई भी मजदूरी भी नहीं मिलती थी, तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था, बिल्कुल पागलों की तरह मेरा हाल हो गया था। और जब मैं ऐसे रहता था, मैं कई बार जंतर मंतर पे चला जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी को सोच लिया था कि बिल्कुल ही ख़त्म होगी। रात को मैं सोता सोता भी रोता रहता था, मेरी मिसेज भी भगतमती रोती रहती थी देख के कि भाई इसको क्या हो गया। कई बार ऐसा हो जाता था, बच्चे सहने थे, ऐसा जी करता था इनको जहर दे दूँ और मैं भी जहर खा के मर जाऊँ बिल्कुल। लेकिन परमात्मा की रजा थी, संत रामपाल जी महाराज जी की, मुझे हमारे गाँव का एक भगत था, उन्होंने एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और पढ़ते ही मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया कि भाई वाकई में सच बात है ये। मैं इतनी भक्ति करने के बाद भी इतना परेशान था, भरी उसमें गरीब गर्मियों में हनुमान जी का चूरमा बना के ले जा करता, बिल्कुल पसीने पसीने होके कच्चे कच्चे में बिल्कुल इतना परेशान था। और वहाँ पे बंदर खाते भी नहीं थे, सूंघ के भगा देते थे, मेरा बहुत खून फूकता था कि मैं चाय भी पीने के पैसे नहीं घर में, और यहाँ पर ये ऐसे कर रहे हैं। तो मैं सोचता था भाई मेरा भला नहीं होगा कभी भी ज़िंदगी में। लेकिन वो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मैंने उनसे बोला भाई मुझे नाम दीक्षा लेनी है, और मैं बताऊँ कब चलूँ आपके साथ, नॉलेज अब सत्संग होगा और वहाँ पे चलेंगे। तो हम चले गए जी 18 जुलाई 2014 को, हम सतलोक आश्रम जिला हिसार में हम गए, और वहाँ पे जाके मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। वहाँ पे देखा मैंने तो वहाँ पे ऐसा माहौल मैंने इस धरती पे ना, सिवाय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वहाँ के अलावा, उस आश्रम के अलावा मैंने कभी ऐसा माहौल कहीं देखा नहीं। मैं बहुत जगह गया, अमरनाथ लोले, हर मंदिर में, वैष्णो देवी लोग, जहाँ भी, यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे ना गया हूँ मैं, हर जगह गया पर लेकिन मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। वहाँ की सुविधा इतनी अच्छी थी, वहाँ पे उनका बोलने का लहजा इतना अच्छा था, भगत जी कह के बात करते थे, या कोई माई हो या कोई भगत हो, बिल्कुल इतने प्यार से। खाना पीना इतना अच्छा खाना, देसी घी में रोटियां बिल्कुल, और भंडारा फ्री था बिल्कुल, और ऐसी चाय, कोई कितनी भैंस बांध रहा हो उनके घर भी ऐसी चाय नहीं मिलती होगी जैसी आश्रम में चाय मिलती थी। और चाय के साथ बिस्किट भी, और जो किसी को हारी बीमारी होती, चाहे दलिया खाओ, चाहे खिचड़ी खाओ, चाहे दूध से खाओ, चाहे दही से खाओ, चाहे सब्जी से लो, कैसे ही लो, के मैंने इतनी सुविधा, इतना वो कहीं नहीं देखा आज तक। नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा इसकी भक्ति ऐसे मर्यादा में करना, और फिर देखना अपने लाभ भी और तुम्हारे पाप कर्म भी कटेंगे, और फिर तुम्हें ऐसा सुख हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सर आपके बताए अनुसार आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। आपने बताया कि आपको कहीं उम्मीद नहीं थी कि मैं कहीं से भी ठीक हो जाऊँ, फिर आपने ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ी और फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आए। सर ज्ञानगंगा में ऐसी क्या बात है जो भी उसको पढ़ता है तो उसको लाभ होने लगते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है, ऐसा क्या है उस पुस्तक में? सर उस पुस्तक में ऐसा बहुत कुछ है कि उसमें सत भक्ति और जितना भी प्रमाण है ना, सब हर चीज़ से प्रमाणित वो पुस्तक है, बाइबल से, पुराण से, वेदों से, और जो उसमें जो कहानियाँ लिखी बिल्कुल एकदम सच लिखी हुई हैं कि भाई पुस्तक पढ़ने से ज्ञान गंगा मेरे बिल्कुल ये लगा लो दिमाग के बिल्कुल तार तार हिल गए कि ये सारी सच्चाई बिल्कुल इस पुस्तक में है। सर ज्ञान गंगा पुस्तक ऐसी जादुई पुस्तक है, अगर उसको आप एक बार पढ़ लो या घर में भी रख लो ना, तो भी उस घर में सुख आना तो मामूली सी बात है। सर अगर कोई दर्शक संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त कर सकता है? सर शाम को 7:30 साधना चैनल पर सत्संग आता है, और उसके अंदर ऐड आती है नीचे पीली पट्टी, उसमें नंबर लिखे होते हैं एसएमएस के, जो फ्री पुस्तक मंगाने के लिए आप एक बार एसएमएस कराओ, जो भी करेगा उसी एड्रेस पे ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत फ्री, बिल्कुल निश्कुल फ्री पहुँचाई जाती है। सर हम अगला सवाल पूछते हैं आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मुझे लाभ ही लाभ प्राप्त हुए हैं। नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बहुत दारू पीता था, बहुत दारू, 2-3 बोतल डेली की पीनी मेरा होता, और फिर भी नशा नहीं होता था मेरे को। उसके बाद मैं 1-2 गांजे की चिलम भी पी जा करता, क्योंकि मेरा होटल था, होटल पर काम करते थे बहुत लड़के, 6-7 लड़के, और वे गांजा वगैरह पीते थे, तो मैं उनका गांजा भी पी जा करता। इतना
ना सेड़ी था मैं बिल्कुल ही, के देखने वाले के गर्दे में बेउड़ा लिया। पुलिस वाले तो मेरी शिकल देख के ही हट जा करते कि भैया तो बहुत नशे आ जाए और आती लत्ते फाट देगा, इतना वो करता था मैं। और ये लाभी हुआ परमात्मा की वजह से, तो दारू छुट्टी मेरी, उसके बाद काम धंधा मेरा बिल्कुल बर्बाद हो गया था। दारू के होटल वाटल सब तुड़वा दिए थे पुलिस वालों ने, उसके बाद भूखे मरने की नौबत आ गई थी बिल्कुल ही। और ऐसा हाल हो गया था जी कि चाय पीने के भी पैसे नहीं करते। मेरी मिसिज वो काम करती थी फैक्ट्री में और मैं घर पे रहता था। वो मेरे से कभी ये भी नहीं कहती थी कि अभी तू काम कर ले, उसको पता थी इसकी दिमाग की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है पागलों जैसी, कभी कुछ घर से निकल जाए। मैंने बोल भी दिया था अपने घर वालों को कि मैं घर छोड़ के जाऊँगा, कहीं हिमालय वगैरह पे चला जाऊँ, क्यों मैंने यही सुना था भाई हिमालय पे चले जाओ भाई, वहाँ पे नुपाप कर्म कटते वगैरह होता है, ये होता है। तो मैंने बोल दिया था अपने मम्मी पापा को भी सबको कि मैं हिमालय पे जाऊँगा, मैं ऐसे घर छोड़ के जाऊँगा। तो ये भी परेशान रह करते कि भाई ये कभी चला जाए। तीन बच्चे, तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे, लड़की 11वीं में थी, लड़का 12वीं पास किया हुआ था, और मैं इतना परेशान, मैं काम धंधा है नहीं, जवान बच्चों के कहाँ से इनकी शादी होगी, कहाँ से क्या होगा। मैं इतना इतना तंगी से गुजर रहा था बहुत ज़्यादा, कि रोज़ की ये सोचता था कि आज इन बच्चों को जहर दे दूँ और ख़ुद भी खा लूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमने जिससे भी हेल्प मांगी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। लेकिन परमात्मा की ऐसी रजो, मेरे नाम देने के बाद इतना खुशियों से मेरा घर भर दिया परमात्मा ने। लड़की भी बेचारी पराई घर होगी, लड़का भी की भी रमणी होगी, एक लड़का बचा हुआ है वो भी। और मैं तो इतना नशेड़ी था भगत जी कि मैं जब दारू पीता था ना, अपने बच्चों को भी बिठा ले करता साथ में, उनसे पूछ ले करता मैं भाई तू कितनी पिएगा, तू कितनी पिएगा, और तब मैं उतनी मंगा के पीते थे बैठ के। तो भगत जी मैं इतना नशा करता था, तो वो सारा नशा मेरा परमात्मा की मात्र किताब पढ़ने से ही छूट गया, क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ था कि भाई जो बीड़ी पीते हैं और ये दारू पीते हैं उनको ऐसे ऐसे कुत्ते के जन्म होते हैं, सूअर के जन्म होते हैं। तो मैं अपनी पैड़ी पे बैठ रहता था, तो जब मैं किताब पढ़ता था ना, वो किताब की बाद में देखता कुत्ते नाली के वहाँ पे पैर रख के और मुँह दे के पानी पी रहे हैं, तो मेरे परमात्मा की बातें याद आती कि भाई ऐसा जन्म होगा। तो मैंने जब भी बीड़ी वगैरह भी तोड़ के भगा दी थी, 3 बंडल बीड़ी के पीजा करता मैं डेली के, और दारू वारू उस दिन से मैंने कभी दारू नहीं पी। जिस दिन भी परमात्मा की शरण में गया नाम लेते ही, और उस दिन से ही संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरा सारा नशा वगैरह सब छूट गया और हमारा घर पूरा परिवार सुख शांति में आ गया। और अब मेरे काम भी खुल गया ना, तो मैं बिल्कुल बेकार था, काम भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बीड़ी पीते थे, गांजा तक पीते थे, आपका ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुआ। तो जो लोग आज भी नशा करते हैं, वो उन्हें कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि आप साधना चैनल पे सत्संग सुने, उसमें जो पट्टी आती है उस पे किताबों का मैसेज आता है, SMS के नंबर, आप उस पे SMS करें, किताब मंगाए ज्ञान गंगा या जीने की राह, बिल्कुल निश्कुल फ्री मिलती हैं, और उसको पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी नशे, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कि हम गैर कानूनी हो, सारे काम छूट जाएंगे, नशे भी, दारूबाज के कोई वैसे भी, और काम धंधा भी मिल जाएगा परमात्मा की, जैसे 2 रोटी का बढ़िया वो हो जाता है और सत भक्ति मिलती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, साधना चैनल पे और कात्यानी चैनल पे 6-7 चैनल हैं, उनके ऊपर सत्संग सुने, उसमें जो नीचे जो पट्टी आती है उसमें नंबर आते हैं, टेलीफोन नंबर, जैसे आप जहाँ भी रहने वाले हो उन नंबरों पे फ़ोन करोगे तो आपको वहाँ का पास का ही नामदान केंद्र का पता बता देंगे, और वहाँ से आपको नाम दीक्षा फ्री मिलेगी, निश्कुल फ्री, संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत साहिब।